सपा के गढ़ की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल जिला भी सपा के अवैध किलों में शामिल होता है। सपा ने भले ही 2014 में यहां से हार का सामना किया हो, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले संभल पर 2019 लोकसभा चुनाव में सभी की नजर होगी। मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद 2014 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिसे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना गया। यहां से बीजेपी के सत्यपाल सैनी चुनाव जीत कर आए। इस सीट से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और दिग्गज नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी सांसद चुने जा चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं संभल के राजनीतिक इतिहास पर। सामान्य सीट संभल 1977 में अस्तित्व में आई। इमरजेंसी के बाद देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे। यहां से चरण सिंह की पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1980-1984 में लगातार कांग्रेस, फिर 1989-1991 में जनता दल ने यह सीट जीती। 1996 में बाहुबली डीपी यादव ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस सीट पर कब्जा किया। 1998 में इस सीट वीवीआईपी सीटों की गिनती में आ गई। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 1998-1999 में यहां से चुनाव जीता। 2004 में उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहां से सांसद चुने गए, लेकिन 2009 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। लगभग हर पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ की आवाम ने अपना वोट दिया और अपने लिए काम करने का मौका दिया, लेकिन सपा के लिए यहाँ के मतदाताओं में खास प्यार देखने को मिलता है। इस बार भी सपा के उम्मीदवार के जीतने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि शफीकुर रहमान वर्ग को सपा बसपा गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। एक नजर डालते हैं वोटिंग प्रतिशत और समीकरण पर। रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद जैसी सीटों से सटे हुए संभल लोकसभा में मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व है। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट मुश्किल मानी जाती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी ने यहां फतह हासिल की। संभल में कुल 16 लाख से अधिक वोटर हैं, इनमें करीब 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिला हैं। 2014 में यहां 62.4% मतदान हुआ था, इनमें से 7,658 वोट नोटा में डाले गए। यहां करीब 40% हिंदू आबादी है और 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। 2014 में बीजेपी के सत्यपाल सैनी को करीब 34.1% वोट मिले थे। बात करें सपा की, तो सपा के उम्मीदवार शफीकुर रहमान वर्ग के हिस्से 33.6% वोट आए थे। वहीं बसपा के उम्मीदवार अकीलुर रहमान खान के खाते में 23.9% वोट गए थे। वोटिंग समीकरण और राजनीतिक इतिहास बताता है कि संभल में जीत के लिए राजनीतिक दलों को अपने अपने दांव पेंच 2019 में लगाने होंगे। वैसे इस बार सपा और बसपा का वोट मिलाकर सपा उम्मीदवार के जीतने के आसार ज्यादा है, लेकिन बीजेपी भी हार मानने वाली नहीं है। मिशन रिपीट के लिए बीजेपी भी लगातार कसरत कर रही है, और कसरत से क्या निकलकर चुनाव नतीजों में आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।